I am Dr. Saurabh Sharma. I am the epileptologist at Lotus Neurotrauma and Spine Care Center. I have been trained at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. Today I would like to tell you something about epilepsy. Epilepsy एक बीमारी है जो अब बहुत कॉमन होती जा रही है और पहले इसको लेके बहुत सारी भ्रांत धारणाएं थी और लोग काफी इससे घबराते थे, लेकिन एज टाइम हैज पास्ट हर फील्ड में इतनी तरक्की होने से एपिलेप्सी पे काबू पाना काफी आसान हो गया है। पहले तो जो ड्रग्स हैं वो बहुत इम्प्रूव कर गई और एपिलेप्सी सर्जरी भी है अब काफी एडवांस्ड फॉर्म में आई है। ये सारी चीजें लोटस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मिर्गी से बचने के क्या क्या उपाय होते हैं। पहला उपाय ये है कि सबसे पहले उसका प्रॉपर वर्कअप होना चाहिए पेशेंट का, जो एक एपिलेप्टोलॉजिस्ट जो मिर्गी विशेषज्ञ होते हैं उनके पास जाके दिखाएं, और वो जो वर्कअप होता है उसमें काफी जांचें होती हैं। कुछ जांचें होती हैं मिर्गी का पता लगाने के लिए, कुछ दिमाग के किस जगह मिर्गी शुरू हो रही है वो पता लगाने के लिए, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें दवाई से ही एपिलेप्सी पूरी तरह ठीक हो जाती है और कुछ में कभी कभार ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ती है। जो जांचें हैं वो ईजी है, इलेक्ट्रोएनकेफलोग्राफी, वीडियो ईजी जिसमें वीडियो के माध्यम से और ज्यादा बारीकी से इसी जांच को अच्छी तरीके से किया जा सकता है। फिर एमआरआई है, सीटी स्कैन है, कुछ खून की जांचें हैं, रीढ़ की हड्डी की पानी की जांचें हैं, स्पेक्ट है, पेट है और ग्रिड प्लेसमेंट्स है। ये सब करके एक आइडिया लग जाता है कि भाई मिर्गी कितनी खराब है और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। इंट्रैक्टिव एपिलेप्सी वो एपिलेप्सी है जो दो दवाइयां 6 महीने देने के बाद भी न रुके, और इस ये वो टाइम है जब हमें सर्जरी के बारे में भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है। बचने के उपाय क्या है? पहला सबसे इम्पोर्टेंट उपाय है कि मिर्गी की दवाई जैसी आपके मिर्गी विशेषज्ञ ने बताई है उसे नियमित रूप से बिना गैप के लेना, पहला। दूसरा, रात को नहीं जागना। अगर दौरा पड़ता है तो पेशेंट को एक तरफ करवट से लेटाना, इसे रिकवरी पोजीशन भी कहते हैं, या नाक में मिडा स्प्रे डालना या फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना। इन सब से मिर्गी को काफी हद तक टैकल किया जा सकता है। अब उस पे दोनों लोग डिजीज बोल देता हूं, ठीक है। मेरा अगला टॉपिक रहेगा डीजनरेटिव डिस्क डिजीज। ये वो बीमारी है जो आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है, और कॉमन होने के कारण है खराब लाइफस्टाइल, बच्चों का बाहर नहीं खेलना, ज्यादातर इंडोर्स रहना, सन लाइट से एक्सपोज नहीं होना। इस बीमारी में जो है कमर या गर्दन में दर्द होता है और कभी कभार हाथों पैरों में झंझनाहट भी होने लगती है, और कभी कभार ज्यादा बड़ी परेशानी होने पर ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ जाती है। ये जो बीमारी है इसके दो तरीके से उपाय किए जाते हैं। पहला जो है वो दर्द का निवारण। दर्द के निवारण के लिए हमारे पास 4 उपाय हैं, दवाई या परहेज, उससे भी नहीं अगर आराम आता है तो फिजियोथेरेपी या फिर एनी सपोर्टिव थेरेपी इन द फॉर्म ऑफ बेल्ट, उससे भी नहीं आराम आता तो वी कैन ट्राई ब्लॉक्स, जिन्हें हम स्पाइनल ब्लॉक्स कहते हैं, वो एपिडुरल हो सकते हैं, सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक्स हो सकते हैं, कॉर्डल ब्लॉक्स हो सकते हैं, ओजोन थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और लास्ट में सर्जरी ऑफर होती है। सर्जरी आज मॉडर्न डेकेड में काफी एडवांस्ड और काफी सिंपल हो गई है, और ये एरा है मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी जिसे मिस कहते हैं। इसमें बहुत ही छोटे चीरे से जाकर उस डिस्क को निकाला जा सकता है, पेच स्क्रू भी बिना बड़े टाके आए हुए लगाए जा सकते हैं। ये सब सुविधाएं लोटस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि बार बार ये जो प्रॉब्लम से ना हो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। पहला उपाय है अपना पोस्चर, तो अपना पोस्चर जरूर सुधारना है, और पोस्चर का रोल हर फील्ड में आता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंटरनेट स्पेशलिस्ट हो, चाहे वो आईटी स्पेशलिस्ट हो, चाहे वो लेबरर हो, चाहे वो दुकान पे बैठने वाला एक दर्जी या फिर एक टेक्सटाइल शॉप ओनर हो, हर जने का पोस्चर इंपॉर्टेंट है। पोस्चर ठीक रखने से ये परेशानी आगे नहीं बढ़ती है, एटलीस्ट वहां थम जाती है। तो पहला है पोस्चर, दूसरा वजन बहुत ज्यादा ना उठाना, तीसरा जो है अपने विटामिन डी या बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने का प्रयास करते रहना, चौथा है सामने न झुकना, गर्दन बहुत ज्यादा न मोड़ना। इसके अलावा कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जो गलत तरीके से प्रोजेक्ट की जा रही है, जैसे ट्रैक्शन अब मॉडर्न साइंस में उसका इंडिकेशन कम से कम हो गया है और वो हर पेशेंट में नहीं लगाना चाहिए, पहला। दूसरा, एक्सरसाइज भी, सारी एक्सरसाइजेस संभव नहीं है हर मरीज में, तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट या स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिखाए बिना कोई भी एक्सरसाइज नेट से पढ़ के या किसी दोस्त से जान के करना स्पाइन के लिए हानिकारक हो सकता है, स्पाइन प्रॉब्लम्स के लिए। इसके अलावा जो है अगर पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा है
तो डेफिनेटली सर्जरी के बारे में सोचा जा सकता है, और अपने स्पाइन स्पेशलिस्ट से क्लियरली डिस्कस करें, जिस समय सर्जरी की जरूरत है उसी समय कराएं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक दर्द सहना कोई बुद्धिमानी नहीं है।